बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ हिट फिल्मों की वजह से करियर बनते भी है और कुछ फ्लॉप्स की वजह से करियर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बॉलीवुड के 7 ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके ऑलमोस्ट खत्म करियर को सिर्फ एक सुपरहिट मूवी ने बचा लिया। सलमान खान वही आदमी है जो कि जिंदे हिरन मार चुका है और फुटपाथ पे सोने वाले हर आदमी का डर का कारण बन चुका है। तेरे नाम के बाद भाईजान का करियर बिल्कुल सेट था, ऐसा शायद उन्हें लगा, क्योंकि 2004 से लेकर 2009 तक भाईजान की टोटल 22 मूवीज आई जिसमें से 19 मूवीज फ्लॉप रहती है और शायद 8-10 प्रोड्यूसर गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इन 22 में से सिर्फ 2 मूवीज यादगार रही या फिर हिट रही, एक तो थी नो एंट्री और दूसरी थी पार्टनर। इसके अलावा ब्लैक बक केस और फुटपाथ वाला केस भी चल रहा था। इस टाइम तक भाईजान को कोई भी प्रोड्यूसर एक बड़ी मूवी ऑफर करने से डर रहा था क्योंकि भाई का पास्ट रिकॉर्ड खासा अच्छा नहीं चल रहा था और इस टाइम तक कुछ लोगों को लग रहा था कि सलमान खान के करियर का दी एंड आ चुका है और कुछ लोगों ने तो सलमान खान के करियर को एंड ही घोषित कर दिया। हाँ मीडिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भाईजान को वांटेड मूवी ऑफर होती है जो कि इंस्टेंट मासेस को पसंद आ जाती है और एक सुपर हिट बन जाती है। बेटा एक गुटखा खाने का इतना शौक है तो एक काम कर, एक दोस्त और बना, कांधा देने के काम आएगा। वांटेड मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने और उसके अलावा प्रभु देवा ने राधे मूवी को भी डायरेक्ट किया है। मतलब करियर बचाने वाला और खत्म करने वाला एक ही आदमी है। खोपड़ी तोड़। लेकिन लास्ट कुछ भाईजान की मूवीज देखकर एज ए भाईजान सुपर फैन मुझे ऐसे दिल से धक धक हो रहा है। शाहिद कपूर मेरी तरह काफी टैलेंटेड आदमी है लेकिन क्रेडिट हर बार कोई और ले जाता है, जैसे जब वी मेट में करीना कपूर और पद्मावत में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। शाहिद कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 की मूवी इश्क विश से की थी जो कि एक एवरेज मूवी रही थी। 2007 तक शाहिद के करियर में अब तक कोई भी एक बड़ी मूवी नहीं आई थी और फिर 2007 में इन्हें जब वी मेट ऑफर हुई जो कि इंस्टेंट हिट बन गई थी। जब वी मेट के लिए शाहिद कपूर को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और एज एक्सपेक्टेड इन्हें फर्दर मूवीज भी ऑफर की गई, लेकिन उसके बाद शाहिद कपूर कोई भी एक बिग हिट नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने हैदर जैसी आइकॉनिक मूवी में काम किया लेकिन उन्हें अभी तक वो मेनस्ट्रीम एक्टर वाला टैग नहीं मिला था। इसके बाद शाहिद को एक ऐसी मूवी ऑफर हुई जिसके कारण वो यंगस्टर्स के बीच में एक हीरो बन गए। कबीर सिंह वही मूवी है जिसको देखकर मैंने अपनी फ्यूचर सेटिंग कैसी होनी चाहिए उसका वो एक पूरा ढांचा बना लिया था। वो चीज तो पूरी ही नहीं हुई लेकिन शाहिद के करियर का कमबैक जरूर हो गया और एक शाहिद को भी अब एक मेनस्ट्रीम एक्टर की तरह कंसीडर किया जाता है। एक टाइम था जब अमिताभ जी बॉलीवुड पर सिंगल हैंडली राज किया करते थे और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इनके जैसा सुपरस्टार 100 सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। अब 100 सालों में कौन कितनी बार पैदा होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 1992 की हम मूवी अमिताभ जी की करियर की लास्ट हिट मूवी रही थी। इसके बाद आने वाली सारी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप रही और एक टाइम ऐसा था जब कोई भी प्रोड्यूसर इनको मूवी ऑफर करने को तैयार नहीं था और 1998 तक अमिताभ जी बैंकक्रप्ट तक हो गए थे। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आया जब अमिताभ जी को खुद प्रोड्यूसर के पास जा जाकर मूवीज मांगनी पड़ रही थी। I had no films. None at all. No. And then I had no money. And I was bankrupt. And I had debts of 90 crores, which are really belonging to the company. कहते हैं ना बुरा वक्त ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सबसे पहले तो ये उस आदमी को लेकर आओ जिसने बात बोली, मेरे वाला तो अब तक टिका हुआ है यार, छोड़ो ये सब बातें। मुद्दे की बात ये है कि अमिताभ जी को फाइनली 2000 के टाइम पे मोहब्बतें मूवी ऑफर हुई जो कि एक हिट रही और उसी मूवी से इनका ये आइकॉनिक लुक फेमस हो गया और इसके साथ साथ इनकी जेब भी गर्म हो गई। अगर तुम एक ट्रू सिनेमा लवर हो तो तुमने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। कमल हसन इंडिया के एक लौते एक्टर है जिनकी 7 मूवीज इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। 2000 के टाइम पे इन्होंने हर लैंग्वेज में मूवी की थी, इनकी होम इंडस्ट्री तो तमिल इंडस्ट्री थी लेकिन इन्होंने हर जगह अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रखा था। इनके करियर का डाउनफॉल तब आया जब इन्होंने 2013 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और उसके बाद इनकी बैक टू बैक सारी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। क्या राहुल गांधी की संगत में थे क्या? इनका करियर एक डेड एंड पे था। फिर उसके बाद इन्होंने 2022 की विक्रम मूवी की जो कि एक कितनी बड़ी हिट थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऋतिक इज वन ऑफ द बिग स्टार ऑफ बॉलीवुड, बिग है तो क्या हुआ, बैड फेस नहीं आएगा। इनके बुरे वक्त का कारण वही मूवीज का बैक टू बैक फ्लॉप होना और कंगना रनौत के साथ कंट्रोवर्सी भी था। इनकी मूवीज का अच्छा परफॉर्म ना करने का एक मेन रीजन बड़ी मूवीज के साथ क्लैश रिलीज भी होता था। क्रिश 3 इनके करियर की एक लास्ट मैसिव हिट थी, इसके बाद ये अनकंसिस्टेंट रहे। इनका करियर काफी अनस्टेबल रहा, ये कंसिस्टेंसी से हिट मूवीज नहीं दे पाए। ये काबिल जैसी एक अच्छी मूवी करते थे उसके बाद 2-3 मूवीज के लिए फिर ठंडे पड़ जाते थे। इनके करियर को क्रिश 3 जैसी एक और मैसिव हिट मूवी की जरूरत थी और उस चीज को पूरा किया सुपर 30 मूवी ने। 2019 के टाइम पे इन्होंने सुपर 30 मूवी की जिसमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया। ना कोई बड़ी कास्ट, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोशन, जस्ट खुद के दम पे और इस मूवी की स्टोरी के दम पे इन्होंने इस मूवी को सुपर हिट बना दिया और अपने करियर को एक बहुत ही जरूरी बूस्ट दिया।
रुको रुको, तुम में से जितने लोगों ने भी गालियां टाइप करके रखी है उसको डिलीट कर दो और मेरी बात सुनो। शाहरुख खान ने 1992 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और 1995 में DDLG जैसी मूवी करके हम सबका चूतिया काटा कि लड़की अगर तुम्हें पलट के देखती है तो वो तुमसे प्यार करती है। अरे घंटा करती है, मुझे तो पलट पलट के भाई बोल के जाती है, लेकिन मुझे क्या मतलब, मुझे तो लड़कियों की बैक साइड में इंटरेस्ट है। तो मुद्दे की बात यह कि शाहरुख खान की पठान से पहले इनकी बैक टू बैक मूवी फ्लॉप रही और ये मूवी कोई सस्ती मूवी नहीं थी, काफी बिग बजट मूवीज इनकी फ्लॉप रही थी। और शुरुआत होती है दिलवाले से जो कि फ्लॉप होना डिजर्व करती थी। उसके बाद फैन, हैरी मेट सीजल, रही सैमी हिट रही, फिर उसके बाद ऐसा की करियर की वन ऑफ द मैसिव डिजास्टर आती है जीरो। जीरो वही मूवी है जिसके बाद शाहरुख खान ने बॉलीवुड से 4 साल का ब्रेक लिया था और इन्हीं 4 सालों में सब लोगों ने मिलकर शाहरुख खान के करियर का एंड घोषित कर दिया। फिर उसके बाद बॉलीवुड में एक ऐसा टाइम आया जहां पे किसी भी माइकल एलेक्टर की मूवीज हिट नहीं हो रही थी, बॉयकॉट गैंग अपने पीक पे थी और वहां पे शाहरुख खान रिलीज करते हैं अपनी पठान। और पठान वही मूवी है जिसने बॉयकॉट गैंग की इस लिस्ट में तुम्हें इनका नाम सुनके थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन इनके डाउनफॉल और कमबैक की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है तो सुन के जाना। 1999 की पद्यप्पा मूवी के बाद इन्होंने मूवीज को क्विट कर दिया और उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था कि इसके बाद ये मूवीज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये US में एक बाबा के पास चले गए और वहां पे ये कुछ साल रहे। फिर उसके बाद उस बाबा ने इन्हें एक बुक दी, द लाइफ ऑफ योगी के नाम से। अब वो बुक को पढ़ के इंस्पायर हुए या फिर इनका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था पता नहीं, लेकिन इन्होंने अपने मूवी में कमबैक करने का डिसीजन लिया और 2002 में इन्होंने बाबा मूवी को रिलीज किया जिनके राइटर ये खुद थे। और गेस ये मूवी एक डिजास्टर साबित हुई। फिर उनकी बुलंदी मूवी आई जो कि एक और फ्लॉप थी। फिर सबने मिलकर घोषित कर दिया कि रजनीकांत जी का करियर खत्म हो चुका है। लाइक जिसका तुम करियर खत्म कर रहे हो उससे तो पूछ लो। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात ये कि रजनीकांत जी ने अपना कमबैक चंद्रमुखी मूवी से किया। हाँ, भूलभुलैया इसी मूवी का रीमेक था। और मजे की बात ये कि चंद्रमुखी मूवी भी एक मलयालम मूवी मनी चित्रात हाजू जो कि 1993 में रिलीज हुई थी उसका रीमेक था। पूरा रीमेक का मल्टीवर्स हो रहा इधर तो। और इसी रीमेक वर्ड से बॉलीवुड की ऑडियंस खुश नहीं रहती क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवीज साउथ या हॉलीवुड की रीमेक होती है, जो कि सच भी है। तो लेफ्ट राइट वीडियो पे क्लिक करके देख लो हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज जो कि एक्चुअली बॉलीवुड की रीमेक है। और राइट में भी एक वीडियो आ रही होगी, उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।